बहुत सारी लेडीज़ आती हैं इस हिस्ट्री के साथ कि उनको सेक्स के बाद यूटीआई ज़्यादा होता है, जो आपकी बॉडी की फाइटिंग स्ट्रेंथ को कम करता है, वो यूटीआई आपको करा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई है, छोटे बच्चे आते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से, सेक्स से रिलेटेड है यूटीआई अगर हम उसको हाइजीन मेंटेन ना कर पाएं। हाई, आई एम डॉक्टर प्रीति पावा, सीनियर कंसल्टेंट इन ऑब्स एंड गायनी एट फेमिल वुमेन केयर क्लिनिक इन सेक्टर 56 गुड़गांव। मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ और एसोसिएटेड हूँ बहुत सारे प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स के साथ गुड़गांव में। सो मेरा इस फील्ड में 18 साल का एक्सपीरियंस है और इस दौरान हमने महसूस किया कि हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लेडीज़ को, जिसके बारे में वो बात करने से घबराती हैं, उससे भी ज़्यादा उसके बारे में मिथ्स हैं, गलत धारणाएं हैं, जिसकी वजह से वो ठीक टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं और ठीक टाइम पे उसका इलाज नहीं हो पाता, और उसका कारण ज़्यादातर लैक ऑफ नॉलेज है। तो हम आज बात करेंगे ऐसी ही एक प्रॉब्लम यूटीआई के बारे में जोश आशा पर। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किडनीज़, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, कहीं पे भी इन्फेक्शन हो तो हम उसको यूरिनरी इन्फेक्शन कहते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गन्स उसके सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, माइल्ड हो सकते हैं, सिवियर हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिवेरिटी ऑफ द इन्फेक्शन एंड ऑर्गन ऑफ इन्फेक्शन। यूजली जो ओपीडी में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो लोअर यूटीआई के साथ आते हैं, जिसमें कि इन्फेक्शन लिमिटेड रहती है यूरेथ्रा एंड ब्लैडर तक। जब वो इन्फेक्शन ठीक टाइम पे ट्रीट नहीं होने की वजह से ऊपर चली जाती है, यानी कि यूरेटर एंड किडनी तक चली जाए, तो उसे अपर यूटीआई कहते हैं, जिसको कि पाइलोनेफ्राइटिस भी कहा जाता है। यूटीआई किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, लेडीज़ जेंट्स सबको हो सकता है, बट मोर अफेक्टेड पॉपुलेशन इज लेडीज़। लेडीज़ में ये 20 गुना ज़्यादा रहता है जेंट्स के मुकाबले में, जिसका कारण हो सकता है उनकी अंदरूनी बनावट। हमारे देश में लगभग 50% लेडीज़ को लाइफ टाइम में एक बार यूटीआई से गुजरना पड़ता है, और 5% लेडीज़ को तो ये बार बार होता है, जो कि रेकरेंट यूटीआई कहलाता है। इसके कॉजेज बहुत सारे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज आई वुड से इज लैक ऑफ हाइजीन। अपने नीचे के हिस्से को क्लीन नहीं रख पाना, किसी भी वजह से, वर्क की वजह से, मिथ्स की वजह से, ट्रैवलिंग जॉब्स की वजह से। तो जब आप अपने नीचे के हिस्से का हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, उसको क्लीन नहीं रख पाते, तो पॉटी होल और वेजाइनल ऑर्गेनिजम्स यूरेथ्रा तक पहुंच सकते हैं और यूटीआई का कारण बन सकते हैं। दूसरा कारण है, बहुत सारी लेडीज़ आती हैं इस हिस्ट्री के साथ कि उनको सेक्स के बाद यूटीआई ज़्यादा होता है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इससे बचने के लिए वो अपने आप को प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं आफ्टर द सेक्स, एंड दे शुड पास यूरिन जस्ट आफ्टर द इंटरकोर्स। और पोस्ट मीनोपॉजल लेडीज़ में भी बहुत कॉमन है, मीनोपॉज के बाद हॉर्मोन्स की मात्रा हमारे शरीर में कम होने लग जाती है और वो यूटीआई से ज़्यादा प्रोन होने लग जाते हैं। छोटे बच्चों में सफाई नहीं रखने की वजह से, स्पेशली इन गर्ल्स यूटीआई इज़ मोर कॉमन, या फिर आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है बॉडी में, जैसे कि diabetes are more prone, even hypertension, any chronic problem in the system which lowers the immunity, जो आपकी body की fighting strength को कम करता है, वो UTI आपको करा सकता है। और या फिर urinary tract की वैसे कोई problem हो, आपको kidney stones हो, ureter stones हो, bladder stones हो, वो भी कारण हो सकते हैं UTI का। या फिर अंदरूनी बनावट में कोई दिक्कतें, जैसे कि diverticula हो सकते हैं, या फिर किसी neurological problem की वजह से आप यूरिनरी ब्लैडर को ठीक से एम्प्टी नहीं कर पाते हो, तो भी आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ज़्यादा प्रोन रहते हो। सो वेजाइनल एरिया क्लीन रखने का मतलब है कि आप, हमारे देश के क्लाइमेट के हिसाब से डेली बाथ इज रिकमेंडेड, एंड कुछ लेडीज़ को जैसे आदत होती है कि हर बार वॉशरूम जाने के बाद बार बार नीचे के हिस्से को वॉश करना,
तो उसको वॉश करके डायरेक्टली अंडरगारमेंट्स पहनने से पहले दे शुड कीप देमसेल्व्स ड्राई, एरिया को सूखा रखना काफ़ी ज़रूरी है, या फिर कंडीशंस ठीक होने की वजह नहीं होने की वजह से, जैसे कि ऑफिस में आपके पास क्लीन टॉयलेट अवेलेबल नहीं है, या फिर पानी की कमी जिन एरियाज़ में होती है वहाँ पे यूटीआई ज़्यादा कॉमन होता है, और पीरियड्स में जो लोकल पेरिनियल हाइजीन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पीरियड्स में लोग प्रॉपर हाइजीन कई बार नहीं रख पाते हैं, दे एंड अप वेयरिंग द सेम पैड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, जो कि पैड हमें हर 5 घंटे में मैक्सिमम 6 घंटे में चेंज करना चाहिए, चाहे वो सोप हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, बट कई बार सोप नहीं है या काम में बिजी होके वो सुबह से शाम तक एक ही पैड पहनेंगे तो वो इन्फेक्शंस का बहुत बड़ा सोर्स होता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई है, छोटे बच्चे आते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से, तो उनमें क्या है कि उनकी ट्रेनिंग टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि उनको अपना पेरिनियल एरिया है जो आगे से पीछे क्लीन करना है, अगर वो पीछे से आगे क्लीन करेंगे तो पॉटी होल के और वेजाइनल ऑर्गेनिजम्स अगेन यूरेथ्रा तक पहुँचेंगे और उनको यूटीआई करा सकते हैं। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम से आप पहले ही जूझ रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ स्पेशली जिसमें कोई भी ऑर्गेन के इन्फेक्शन बार बार हो सकते हैं, ये तो यूटीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है उनमें, या कोई अंदरूनी बनावट में प्रॉब्लम है, डाइवर्टिकुला है, यूटराइन प्रोलैप्स है तो भी वो ब्लैडर ठीक से खाली नहीं हो पाता, जो भी वजह से ब्लैडर ठीक से खाली ना हो पाए वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है यूटीआई के लिए। और आज के जनरेशन में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है विच इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन, बिकॉज ऑफ द जॉब, सिटिंग जॉब्स, बिजी जॉब्स, तो क्या है, लोग यूरिन को होल्ड करते हैं, पानी कम पीते हैं कि बार बार वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। सो डिहाइड्रेशन इज़ अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर फॉर दैट, एंड ऑल्सो होल्डिंग द यूरिन एट द सेम टाइम, कि जब आपको अर्ज है आपको वॉशरूम जाना चाहिए उसको होल्ड नहीं करना चाहिए। एंड मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर, जिसकी वजह है कि एनीवे आपको वेजाइनल इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं इफ़ यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स, तो वो वेजाइनल इन्फेक्शन अल्टीमेटली यूटीआई करा सकते हैं बिकॉज ऑफ द नियरनेस ऑफ द ओपनिंग्स। बट फिर भी काफ़ी लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन रहता है कि इज इट अ एसटीडी, इट इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम, यूरिनरी इन्फेक्शन की बहुत सारी वजहें हैं, सो ये एसटीडी इसको नहीं कहेंगे, बट सेक्स से रिलेटेड है यूटीआई अगर हम उसको हाइजीन मेंटेन ना कर पाएं। कई बार तो हमें पार्टनर्स का भी चेकअप कराना पड़ता है, अगर कोई पेशेंट कहे कि हर बार उसको सेक्स के बाद यूटीआई हो जाता है और बार बार हो रहा है, देन वी शुड थिंक ऑफ इट, और पार्टनर का यूरिन और सीमेन टेस्ट कराना चाहिए हमें पस सेल्स के लिए, इन्फेक्शंस के लिए, बट स्टिल दिस इज़ नॉट कॉल्ड एसटीडी। ओपीडी में जब पेशेंट्स आते हैं कि हमें यूरिन बार बार आ रहा है, या फिर यूरिन पास करते हुए जलन हो रही है, या दर्द हो रहा है, पेट में दर्द होना, यूरिन का क्लाउडी फ्रॉदी होना, यूरिन में थोड़ा ब्लीडिंग होना, कई बार सिवियर यूटीआई होने पे आपको फीवर विद चिल्स एंड राइगर हो सकता है, इनमें से कोई भी सिम्टम आपको है तो आपको यूटीआई हो सकता है। और फ्यूचर में आप ही के लिए खतरा है कि जब आपको यूटीआई दोबारा होता है उनको इंटरकोर्स के पहले और बाद में अपने आप को वॉश करना चाहिए, और कॉन्डम्स यूज़ कर रहे हैं तो बार बार यूटीआई हो रहा है तो आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। सो अपने लाइफस्टाइल में बहुत सिंपल चेंजेस करके आप काफ़ी हद तक यूटीआई से बच सकते हैं, इट्स सच अ प्रिवेंटेबल डिजीज़।